हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है क्रिटिकल पाथ मेथड, सीपीएम। क्रिटिकल पाथ मेथड एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसको सीखने में टाइम लगेगा दोस्तों। इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हम करेंगे और आज देखते हैं कि हम कितना पार्ट कर पाते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड में। आज लिखने का ज्यादा सिस्टम है। चलो हेडिंग डालेंगे आज की और बनाएंगे हेडिंग क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड दोस्तों, क्रिटिकल पाथ मेथड को स्टार्ट करने से पहले इस क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या क्या हमें फाइंड आउट करना होता है, ये सभी चीजें सीखना है। पर उससे पहले कुछ बेसिक सिंबल होते हैं जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, है ना, ऐसे करके। इंटीजर को जेड से डिनोट करते, सिंबल बेसिक सिंपल। इन्फिनिटी को ऐसे करके डिनोट करते हैं। तो कुछ बेसिक सिंबल हमें पहले पढ़ना पड़ेगा बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए। तो नोटेशन भी कह सकते हैं हम, इसमें हम लिखते रहते हैं, हेडिंग डालेंगे बेसिक नोटेशन। कुछ बेसिक नोटेशन हमें पढ़ना है, वो बेसिक नोटेशन क्या होगी जरा देखेंगे। सबसे पहले हमें यूज करेंगे आई जे का। तो आई जे का यूज करेंगे, आई जे मतलब क्या होता है, आई जे का मतलब होता है एक्टिविटी जो एक स्टार्टिंग पॉइंट से चालू होकर एक एंड पॉइंट पे खत्म होती है, दैट्स कॉल्ड एक्टिविटी। तो आई जे को हम डिनोट करते हैं एक्टिविटी आई जे, हम एक्टिविटी आई जे कहते हैं। विथ टेल या फिर स्टार्ट इवेंट, विथ स्टार्ट इवेंट आई एंड हेड या फिर फिनिश इवेंट जे, हेड या फिर फिनिश्ड इवेंट जे। ध्यान सुनेंगे, मैंने कहा देखो एक इवेंट यहां से चालू होकर, मान लो वन से चालू होकर एक इवेंट टू पे गया, तो यहां से स्टार्ट होकर यहां गया। तो यहां से स्टार्ट होकर यहां जाने का मतलब है ये स्टार्ट इवेंट है, या स्टार्ट अप या टेल इवेंट कह सकते हैं इसको, मैंने समझाया था आपको। और ये आपके पास हेड या फिर फिनिश इवेंट है ना, हेड या फिर इसको हम फिनिश इवेंट कह सकते हैं। दोस्तों जो हमारा स्टार्ट इवेंट होता है हम उसको आई से डिनोट करते हैं, नोटेशन, इसकी बेसिक नोटेशन है आई। और जो हमारा फिनिश इवेंट होता है उसको हम जे से डिनोट करते हैं। तो अगर कहीं वर्ड यूज हो रहा है आई जे, तो आई जे को बोलते हैं एक्टिविटी। ये क्या होती है, हमारी एक्टिविटी जो कि आई से चालू होकर जे पे खत्म हो रही है। क्या मतलब, ये एक्टिविटी है जो कि आई से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग इवेंट क्या है आई, और जे पे खत्म होती है, फिनिशिंग इवेंट क्या है जे। तो आईजे वर्ड का मतलब है ऐसी एक्टिविटी जो एक स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब आई पॉइंट से स्टार्ट होगी और जे पॉइंट पे खत्म होगी। तो आईजे का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। पहला नोटेशन समझ में आया, ठीक है। अब दूसरे नोटेशन की बात करते हैं कि और क्या क्या यूज होगा। अब हम करेंगे ई आई। ई आई का मतलब होता है अर्लीस्ट। ई आई का मतलब क्या होता है दोस्त, अर्लीस्ट, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ एन इवेंट, ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट का ऑफ इवेंट लिखो। चलो छोड़ो, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ एन इवेंट मतलब एक पर्टिकुलर इवेंट का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम क्या है, मतलब कितनी जल्दी एक इवेंट को कंप्लीट करने में, एक इवेंट तक पहुंचने में कितनी टाइम लग जाता है, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम कहते हैं उसे। सेकेंड पॉइंट हमें क्या कहते हैं, दूसरा एल आई, एल जे, एल जे मतलब लेटेस्ट अलाउंस अकरेंस टाइम, अकरेंस टाइम ऑफ एन इवेंट
जे इवेंट और ये आई लिख दो यहां पर, क्या मतलब? अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, लेटेस्ट अलाउंस अक्रंस टाइम ऑफ एन इवेंट जे, कहता है किसी भी इवेंट को कितनी लेट से लेट हम स्टार्ट करेंगे, दैट्स कॉल्ड लेटेस्ट अलाउएबल अक्रंस टाइम। अलाउएबल मतलब किसी पर्टिकुलर इवेंट को कितनी जल्दी करे, दैट्स कॉल्ड अर्लीस्ट अक्रंस टाइम, और किसी पर्टिकुलर इवेंट को कितनी लेट तक कर सकते हैं, मतलब हमारे पास कितना ऐसा टाइम है, मान लो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है जो मैं 5 घंटे में कर सकता हूं, तो 1 घंटे में भी कर लूंगा, 2 में भी कर लूंगा, 3, पर मैं ज्यादा से ज्यादा लेट कितना कर सकता हूं, 5 घंटे में। मैंने आपको होमवर्क दिया और मैंने कहा कल दिखाना इसको, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा होमवर्क करने का टाइम क्या है, कल तक का, मतलब कितनी लेट आप कर सकते हो। तो दोनों को हिंदी में लिख देता हूं, नहीं तो फिर आप बाद में फ्यूचर में कंफ्यूज जाओगे। अर्लीस्ट अकरेंस टाइम का मतलब होता है, लिखेंगे दोस्त हिंदी में लिखना यहां पर, किसी भी इवेंट को कितनी जल्दी हम कर सकते हैं, किसी भी इवेंट आई को हम कितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, और किसी भी इवेंट को हम कितनी देर तक लेट से लेट कंप्लीट कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, उसका मतलब। तो किसी भी पर्टिकुलर इवेंट को कितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड ईआई, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम। हिंदी में कहां लिखूं, इसको दोबारा लिख दूंगा, कोई बात नहीं है ना, इसको मैं दोबारा लिख दूंगा, पहले यहां पर इसको सही से लिखता हूं। इसका मतलब क्या होता है, ईआई का मतलब कि कितनी जल्दी किसी इवेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी जल्दी किसी इवेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी जल्दी किसी इवेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ इवेंट आई। आई मतलब स्टार्टिंग इवेंट। और अगर मैं बात करूं तीसरा पॉइंट जो कि मेरा एल जे है, LJ मतलब लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम, लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम, लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम ऑफ एन इवेंट जे, लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम ऑफ एन इवेंट जे, मतलब कितनी लेट तक, कितनी लेट से लेट हम एक इवेंट को फिनिश कर सकते हैं। जे मतलब क्या होता है, फिनिश टाइम इवेंट, हेड इवेंट। तो कितनी लेट तक किसी इवेंट को फिनिश कर सकते हैं, इवेंट को फिनिश कर सकते हैं, हमारे पास कितना टाइम है उस पर्टिकुलर इवेंट को कंप्लीट करने का। मान लो कि मेरे को भाई 5 मिनट में ये इवेंट स्टार्ट करना है, 5 मिनट में मुझे ये स्टार्ट हो जानी चाहिए ये एक्टिविटी। तो जैसे ही मैंने ये एक्टिविटी स्टार्ट करी 5 मिनट में, तो 5 मिनट मेरा क्या था, ईआई। अब इस एक्टिविटी को फिनिश करने के लिए मेरे पे ज्यादा से ज्यादा टाइम, किसी एक्टिविटी को फिनिश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके पास कितना है, मैंने कहा 5 घंटे, तो 5 घंटे हो गए आपके पास एलआई। किसी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कितना टाइम है, और किसी एक्टिविटी को फिनिश करने के लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम है, ऐसे भी कह सकते हो। इसको भी लिख दूं, कितनी जल्दी किसी इवेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, कितना टाइम है किसी इवेंट को जल्द से जल्द स्टार्ट करने के लिए, कितना टाइम है किसी इवेंट को जल्द से जल्द स्टार्ट करने के लिए, के लिए, समझ में आया। और कितना टाइम है किसी इवेंट को, कितना मैक्सिमम टाइम है किसी इवेंट को कंप्लीट करने के लिए, फिनिश करने के लिए, कितना ज्यादा टाइम है किसी इवेंट को फिनिश करने के लिए, ये हो गया इसका मतलब। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट था ईआई, ईआई का मतलब क्या होता है, कितनी जल्दी हम किसी इवेंट को स्टार्ट करेंगे, और एलजे का मतलब क्या होगा, कितना हमारे पास मैक्सिमम अलाउएबल टाइम है किसी इवेंट को फिनिश करने के लिए।
ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास दो नोटेशन, समझ में आया ना। हिंदी जरूर लिख रहा हूं मैं आपके लिए जानबूझकर, और आपको भी हिंदी लिखनी है ये सारा का सारा, दो बार लिखना, दोनों बार लिखो आप। लो भाई अगला देखना, फोर्थ पॉइंट ये हमारे पास डी आई जे, या हम इसको बोलते हैं टी आई जे। भाई ये हम ना कभी कभी कोई कोई इसको डी आई जे से भी नोट करता है, कभी कभी टी आई जे से भी नोट करा जाता है। इसका मतलब क्या है डी आई जे और टी आई जे? एस्टिमेट कंप्लीशन टाइम, एस्टिमेट कंप्लीशन टाइम, एस्टिमेट कंप्लीशन टाइम ऑफ एन एक्टिविटी आई जे। एक एक्टिविटी, पूरी एक्टिविटी को कंप्लीट करने का एस्टिमेटेड टाइम क्या है, उसको हम कहते हैं डी आई जे, मतलब ड्यूरेशन टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने का एस्टिमेट ड्यूरेशन क्या है, ये एस्टिमेट टाइम। डी फोर यहां पर हम कह सकते हैं ड्यूरेशन, आई फोर आई जे फोर एक्टिविटी। आई जे का क्या मतलब होता है, एक्टिविटी स्टार्टिंग और फिनिश। तो एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने का एस्टिमेट ड्यूरेशन क्या है, या एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने का एस्टिमेट टाइम क्या है? हिंदी में लिखना जरा जल्दी से। एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने का एस्टिमेट ड्यूरेशन क्या है? एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए का एस्टिमेटेड ड्यूरेशन, या एस्टिमेट ड्यूरेशन बोल लो या टाइम बोल लो, कितना है? एस्टिमेट है, अनुमान लगा रहे हैं कि ये एक्टिविटी इतने दिन में इतना टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। मैंने कहा एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है, मान लो मेरे को एक पिलर बनाना है, ठीक है, याद आ रहा है वो एग्जाम्पल, मुझे एक पिलर बनाना है, ये पिलर बनाने में मुझे टोटल 48 घंटे लगेंगे। तो ये 48 घंटे जो आपने अनुमान लगाया पिलर को स्टार्ट करने से पहले, ये हो गया एस्टिमेट। क्योंकि पिलर खत्म, पिलर जब बन जाएगा उसके बाद तो एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा ना। पिलर को स्टार्ट करने से पहले उसका ड्यूरेशन निकालते हैं, ये ड्यूरेशन होता है कि कितना आपके पास टाइम लग जाएगा इस पर्टिकुलर पिलर को पूरा बनाने के लिए, और उस ड्यूरेशन को, एस्टिमेटेड ड्यूरेशन को डी आई जे या टी आई जे से डिनोट करा जाता है। क्लियर है क्या? नहीं आ गया? क्लियर है सर? हाँ जी। तो फोर्थ एस्टिमेशन यहां पर क्लियर हुआ कि हम डी आई जे को आज से क्या डिनोट करेंगे। मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं जानबूझकर, ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए अच्छे से। पांचवी बात, अगला हमारा नोटेशन है ई एस आई जे। अब यहां पर आई जे का मतलब क्या है, एक्टिविटी, और ई एस का, ई का मतलब क्या बताया था, अर्लीएस्ट। ई का मतलब क्या बनाया था, अर्लीएस्ट, तो लिखना इसका मतलब अर्लीएस्ट हैंग कर रहा है यार ये, अर्लीएस्ट स्टार्टिंग टाइम, अर्लीएस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एक्टिविटी आई जे। एक पूरी एक्टिविटी को कितनी जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड अर्लीएस्ट स्टार्टिंग टाइम। एक एक्टिविटी को कितनी जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक एक्टिविटी को करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए 10 मिनट है, आप कितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हो? फर्क है दोनों में, किसमें, ई एस आई जे में और ई आई में। यह कहता है कितनी जल्दी किसी इवेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। ये क्या कह रहा है, कितनी जल्दी किसी इवेंट को हम स्टार्ट कर सकते हैं, और ये क्या कह रहा है, किसी कितनी जल्दी हम किसी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। फर्क है, ये पूरी एक्टिविटी की बात करता है, वो पर्टिकुलर एक इवेंट की बात कर रहा है, दोनों में फर्क है। ई आई जे वहां पर सिर्फ ई आई है, कितनी जल्दी हम किसी इवेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, और यहां पर वर्ड यूज करा है अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। जब हम पूरी एक्टिविटी की बात करते हैं तो ई एस का नोटेशन यूज करते हैं, जब हम एक इवेंट की बात कर रहे होते हैं तो ई आई से नोटेट करते हैं, और जब हम पूरी एक्टिविटी की बात कर रहे थे तो ई एस से नोटेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कितनी जल्दी हम किसी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं।
कितनी जल्दी हम किसी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है? उधर बात हो रही है कि कितनी जल्दी आप किसी एक इवेंट को स्टार्ट करने की बात हो रही है, और यहां पर बात हो रही है पूरी एक्टिविटी को। आपके पास कितना टाइम है उसको स्टार्ट करने का, और आप कितनी जल्दी उसको स्टार्ट कर रहे हो, ये फर्क है ना। आपके पास कितना टाइम है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को स्टार्ट करने का, एक एक्टिविटी को स्टार्ट करने का आप कितनी जल्दी स्टार्ट करो, ये ईएस है, ठीक। और एक इवेंट को इस जल्दी स्टार्ट करने का आपके पास कितना टाइम है, एक इवेंट को जल्दी स्टार्ट करने का, एक इवेंट को आप कितनी जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकते हो, वो ई आई है। तो ई आई, आई वर्ड का यूज हो रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग इवेंट को कितनी जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो, और आई जे का मतलब है एक एक्टिविटी को कितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हो। सर इससे फर्क है दोनों में, ये एक्टिविटी की बात कर रहा होता है और वो इवेंट की, पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रहा होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट हमारा, ई एस के बाद हम ई एफ लिखते हैं, ई एफ आई जे, किसी एक्टिविटी को लिखना अर्लीएस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन, आएगा इधर भी एन एक्टिविटी आई जे, एक एक्टिविटी को, एक्टिविटी को कितनी जल्दी हम, एक एक्टिविटी को कितनी जल्दी हम फिनिश कर सकते हैं, अर्लीएस्ट फिनिश टाइम क्या है उसका, एक एक्टिविटी को हम कितनी जल्दी फिनिश कर सकते हैं, ठीक है, कितनी जल्दी हम किसी एक्टिविटी को फिनिश कर सकते हैं। कितनी जल्दी हम किसी एक्टिविटी को फिनिश कर सकते हैं, मतलब कितनी जल्दी हम किसी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं, ई एस आई जे, आई जे जहां वर्ड यूज हो रहा है उसका मतलब समझ लो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, और जहां सिर्फ आई का यूज हो रहा है या जहां सिर्फ जे का यूज हो रहा है, तो आई का मतलब स्टार्टिंग इवेंट और जे का मतलब फिनिशिंग इवेंट, ठीक है। और जहां आई जे दोनों का यूज हो रहा है तो वहां पर पूरी एक्टिविटी की बात हो रही है, समझ में आ गया नोटेशन किस तरीके से यूज करना है आपके पास, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। सातवां पॉइंट आपके पास है एल एस आई जे, एल एस का मतलब हो गया लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, और ई एस का मतलब होता है अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, ई एफ का मतलब क्या हो गया अर्लीस्ट फिनिश टाइम, और एल एफ भी सिखाऊंगा उसका मतलब हो गया लेटेस्ट फिनिश्ड टाइम। तो ई एस इसका मतलब है लेटेस्ट स्टार्टिंग, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन एक्टिविटी आई जे, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन एक्टिविटी आई जे, आई मतलब बताता हूं इसका आठवां, ये एक एल एफ आई जे है, मतलब लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी आई जे, अच्छा मुझे बताओ इसका मतलब क्या बताया था कि एक एक्टिविटी को या आई जे का सिर्फ एल जे का, एल जे फिर जे फॉर सिर्फ इवेंट, फिनिशिंग इवेंट को कितनी लेट से लेट हम स्टार्ट कर सकते हैं, कितना हमारे पास मैक्सिमम टाइम है किसी एक फिनिशिंग इवेंट को स्टार्ट या फिर फिनिश करने का, है ना। अच्छा यहां पर हमने बात करी, यहां पर फर्क क्या है, यहां दोस्तों मतलब है कि कितनी लेट, कितनी लेट हम एक इवेंट नहीं एक पूरी एक्टिविटी को कितनी लेट में स्टार्ट कर सकते हैं, क्या मतलब है कितनी लेट में एक एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। फर्क है दोस्तों, फिर कह रहा हूं दोनों में फर्क है, यहां पूरी एक्टिविटी की बात होती है, वहां इवेंट की बात हो रही है, वहां से वर्ड यूज करा था जे, एल जे मतलब कितनी लेट आप किसी एक इवेंट, फिनिशिंग इवेंट को स्टार्ट फिनिश कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर इवेंट को कितनी लेट आप फिनिश कर सकते हो, यहां पर मतलब है कितनी लेट आप एक एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हो, यहां पर इसका मतलब है कितनी लेट मैं एक एक्टिविटी को, कितनी लेट मैं एक एक्टिविटी को फिनिश कर सकता, कर सकते हैं,
मैं क्यूज लगा रहे हैं फिर? कितनी लेट हम एक एक्टिविटी को, कितनी लेट हम एक एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं? तो ये हमारे पास आठ ऐसी नोटेशन है जो हमें पहले हमें इसलिए सीखनी पड़ी। एक बार मैं आपको जल्द से बता देता हूं सभी का मतलब क्या है, कहीं आप दोनों में कंफ्यूज ना हो जाए। आई जे का मतलब समझ में आ गया, आई का मतलब होता है स्टार्टिंग इवेंट और जे का मतलब होता है फिनिशिंग इवेंट। किसी एक्टिविटी को हम जब डिनोट करेंगे उसको आई जे से डिनोट करते हैं। आई जे का मतलब है कोई एक एक्टिविटी जिसका एक स्टार्टिंग इवेंट है और इसका एक फिनिशिंग इवेंट है। ई आई का मतलब क्या है कि कितनी जल्द से जल्द हम एक पर्टिकुलर इवेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। इवेंट किसी कितनी जल्द से जल्द हम एक पर्टिकुलर इवेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। एलजे का मतलब है किसी पर्टिकुलर कितना हमारे पास लेट, कितनी लेट या ज्यादा से ज्यादा कितना लेट एक पर्टिकुलर इवेंट को फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि जे वर्ड का यूज करा है तो फिनिशिंग टाइम आ गया। डीआईजे का मतलब है, ये तो सिंपल है, कि एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने का एस्टिमेट टाइम कितना लगेगा। ई एस आई जे का मतलब, ई एस का मतलब समझो अर्लीस्ट स्टार्टिंग, ई एफ का मतलब अर्लीस्ट फिनिशिंग। तो ई एस का मतलब है, ई एस आई जे का मतलब क्या है, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी को कितनी जल्द से जल्द हम स्टार्ट कर सकते हैं, ई एस आई जे। अगर ई आई है तो एक इवेंट को कितनी जल्द से स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों का मतलब वो इवेंट पे बात करता है, ये एक्टिविटी पे बात कर रहा है। ई एफ का मतलब है कितनी जल्द से जल्द हम एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को फिनिश कर सकते हैं। एल एस का मतलब क्या है, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, एक एक्टिविटी को कितनी लेट से लेट हम स्टार्ट कर सकते हैं। एल एफ का मतलब क्या है, लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, कितनी लेट हम एक एक्टिविटी को लेट से लेट फिनिश कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर आठ ऐसे नोटेशन है जो पूरे नेटवर्किंग चैप्टर में एक क्रिटिकल पार्ट निकालने में आपका यूज में आएगी। दोस्तों दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं क्रिटिकल पार्ट में, और क्या बनता है क्रिटिकल पार्ट मेथड के अंदर, टू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आओ सर मैं पेज थोड़ा दूसरा ले लू, ये हैंग कर रहा है काफी। देखिए सर मैंने कहा जो हमारा पढ़ रहे हैं क्रिटिकल पाथ मेथड, इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों। ये जो हम मेथड पढ़ रहे हैं इस मेथड के अंदर आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, टू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, टू टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है इस मेथड के अंदर आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। कहेगा क्रिटिकल, कहता है आपको कहेगा टोटल फ्लोट टाइम निकालो, या फ्री टाइम निकालो, फ्री फ्लोट निकालो। एक मिनट एक मिनट, आपसे कहेगा टोटल फ्लोट निकालो, या आपसे बोलेगा फ्री फ्लोट निकालो, या आपसे बोलेगा इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालो। एक्सेट्रा आपसे बोलेगा स्लैक निकालो, स्लैक। और एक पूछेगा आपसे आइडेंटिफाई करो क्रिटिकल पार्ट। एक आपसे पूछेगा आइडेंटिफाई दी क्रिटिकल पाथ, सिर्फ क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करो। तो क्रिटिकल पाथ मेथड जो है उसमें हमारे दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। कहेगा पहले यार टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, स्लैक वगैरह कुछ ऐसा कुछ निकालो, ठीक है क्या होता है अभी सीखेंगे। दूसरा कहेगा आइडेंटिकल क्रिटिकल पाथ आप निकाल के दिखाओ, मतलब आइडेंटिकल कह रहा हूं क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करो, ऐसा बोलेगा क्वेश्चन। आओ देखो एक बार क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन अगर मैं टू की बात करूं, ये हमने इसका नेटवर्क डायग्राम तो बना लिया था, हमने यहां बात करें। देखो कह रहा है फाइंड क्रिटिकल पाथ आप फाइंड करके दिखाइए, और कह रहा है नेटवर्क ड्राइंग को आप, नेटवर्क को आप ड्रॉ करके दिखाइए, है ना, ये पूछ रहा आपसे। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आप क्रिटिकल पाथ निकालिए, कैसे निकालेंगे, क्या मतलब होता है, वो बात की बात है। मैं अभी बस आपको ये बता रहा हूं कि क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कहेगा क्रिटिकल पाथ को फाइंड करो, आइडेंटिफाई करो,
अगर मैं एग्जाम्पल नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 3 के अंदर आऊं तो आपसे ये पूछ रहा है, देखो क्रिटिकल फाइट पाथ को आप निकालो, उसकी ड्यूरेशन निकालो और कह रहा टोटल फ्लोट निकालो ईच एक्टिविटी का। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, फ्लोट के लिए उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, क्या होता है फ्लोट, समझ नहीं आ रहा है ना, वो तो बात की बात है ना, वो तो मुझे समझाना है आपको। चलो तो आगे बात करते हैं अपना, ये जैसे जैसे मैं कर रहा वैसे वैसे उतारते जाना, ठीक है दोस्त। चलो अब दोस्त हम निकालते हैं डिटरमिनेशन ऑफ फ्लोट एंड स्लैक टाइम। तो फ्लोट टाइम और स्लैक टाइम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि हमसे दो तरीके क्वेश्चन पूछेगा, कह रहा फ्लोट निकालो तो फ्लोट में तो तीनों आ जाएंगे, स्लैक टाइम आ जाएगा। तो मैं पहले ये दिखा रहा हूं कि आपको किस तरीके से आपको ये फाइंड आउट करना है। तो हेडिंग डालेंगे डिटरमाइनिंग डिटरमाइनिंग ऑफ फ्लोट एंड स्लैक टाइम। सर तो आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि हम फ्लोट और स्लैक टाइम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। और मुझे लगेगा नहीं कि आज की क्लास में मैं इसको क्वेश्चन करा भी पाऊंगा, क्योंकि मुझे कराना है डिटेल में, हिंदी भी लिखवानी इंग्लिश भी लिखवानी। क्योंकि देखो क्या होता है, हिंदी लिखवाने का बेनिफिट ये होता है कि आप जब आपके ऊपर कभी देखना, आप कभी ऊपर इंग्लिश लिखोगे उसके नीचे मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कराऊंगा ना, तो कभी आप इंग्लिश नहीं पढ़ोगे। कभी आप अगर आप पीछे रिवाइज कर रहे हो तो ऊपर इंग्लिश लिखिए नीचे हिंदी लिखिए, तो आप हमेशा हिंदी में ही करोगे कि यार हिंदी करते हैं, हिंदी में पढ़ के एकदम ही समझ में आ जाता है ना चीजें। तो मैं यही चाहता हूं कि आपको इजिली एक्सप्लेन कर पाऊं और इजिली आपको समझ पाए और रिविजन के टाइम आपको इजिली वो सीधे कनेक्ट भी हो जाए। तो फ्लोट और स्लैक टाइम कैसे निकालेंगे, तो फ्लोट के अंदर तीन चार टाइप के फ्लोट होते हैं। एक तो होता है टोटल फ्लोट, एक होता है फ्री फ्लोट, एक होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट और एक होता है इंटरफेरिंग फ्लोट। तो चार टाइप के हमारे पास फ्लोट है। पर हमारे पास जो हमारे पेपर के अंदर, जो हमारे स्टडी मैट के अंदर आते हैं, वो मतलब पेपर के अंदर जो स्टडी मैट के अंदर, तो चारों टाइप के फ्लोट एक्सप्लेन कर रखे दोस्तों, पर पूछा टोटल फ्लोट ही जाता है, बहुत कम पूछा जाता है। फ्री फ्लोट पूछ लेगा बहुत कम पूछा जाता है बाकी के अदर फ्लोट। पर सीखते मतलब है, क्योंकि स्टडी मैट के अंदर हमारे को चारों फ्लोट के बारे में दे रखा है तो पूछ सकता है भाई, तो सीखते हैं। सबसे पहले हमने सीखा स्लैक टाइम, बाद में देखेंगे, पहले फ्लोट देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिखते हैं टोटल फ्लोट। अब ये टोटल फ्लोट होता क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि भैया पहले ये तो समझा दिए कि भाई ये टोटल फ्लोट कहते किसे हैं। तो मैं लिखता हूं, समझना, लिखे सर, टोटल फ्लोट रिप्रेजेंट, टोटल फ्लोट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम टाइम, टोटल फ्लोट रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम टाइम विद इन विच एन एक्टिविटी, विद इन विच एन एक्टिविटी कैन बी डिले विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। हिंदी में लिखते हैं दोस्तों और समझते हैं क्या मतलब है। देखो किसी एक्टिविटी को, हिंदी में समझा रहा हूं, किसी एक्टिविटी को कितने टाइम के लिए डिले किया जा सकता है, किसी एक्टिविटी को कितने टाइम के लिए डिले किया जा सकता है, किसी एक्टिविटी को कितने टाइम के लिए डिले किया जा सकता है जिससे टोटल प्रोजेक्शन जिससे प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम पे उसका इफेक्ट ना पड़े, उसका प्रभाव ना पड़े, जिससे प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम में, जिससे प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम में उस डिले का प्रभाव ना पड़े, डिलेड एक्टिविटी का प्रभाव इफेक्ट ना पड़े, और जो मैक्सिमम टाइम लगेगा और जो मैक्सिमम टाइम होगा उस मैक्सिमम टाइम को और जो मैक्सिमम टाइम होगा उसको फ्लोट टाइम कहेंगे।
उसको टोटल फ्लोट कहेंगे। सर मतलब समझिएगा क्या कह रहा है ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अरे ये क्या झूल रहा है, ये क्या घूम रहा है इधर उधर। सर क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट सुनते हैं ध्यान से। कहता है टोटल फ्लोट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम टाइम। टोटल फ्लोट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम टाइम को, विद इन विच एन एक्टिविटी कैन बी डिले। किसी एक्टिविटी को डिले किया जा सकता है, पर वो जो एक्टिविटी में डिले कर रहा हूं उस एक्टिविटी का प्रभाव इफेक्ट प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम पे ना पड़े, जिससे जिस एक्टिविटी का प्रभाव प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम में ना पड़े, और जो मैक्सिमम टाइम होगा उस मैक्सिमम टाइम को प्रोजेक्ट टाइम कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं क्या कह रहा है ये। एग्जाम्पल ये है कि मान लेते हैं आपने फाउंडेशन क्लियर करा अपना, है ना, आपने क्या करा है मान लेते हैं फाउंडेशन क्लियर करा, और फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आपके पास, आप ग्रुप वन क्लियर करोगे और ग्रुप टू क्लियर करोगे। तो आपने डिसाइड करा कि यार ग्रुप वन ग्रुप टू क्लियर करने के बाद मैं अपनी ट्रेनिंग करूंगा, ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं ग्रुप थ्री दूंगा और फिर मैं ग्रुप फोर दूंगा, और फिर जाकर मैं क्या बन जाऊंगा, प्रोफेशनल। फिर जाके मैं CMA बन जाऊंगा, ठीक है, एक प्रोफेशनल बन जाऊंगा। आपने कुछ ऐसा सोचा। अब आपने कहा यार क्यों ना फाउंडेशन देने के बाद आपने कहा कि यार ये मुझे पूरा जो बनना है CMA वो 3 साल के लिए बनना है। मुझे CMA कितने साल के लिए बनना है, 3 साल के अंदर मुझे बनना है। अब टोटल आपने कहा कि मुझे 3 साल के अंदर CMA बनना है। भाई ये मेरा प्रोजेक्ट का पूरा एक्टिव प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है कि भाई मुझे पूरा CMA 3 साल के अंदर क्लियर करना है। आपने कहा कि यार फाउंडेशन क्लियर हो गया, क्लियर होने के आपके पास ऑप्शन आ गया, आप ग्रुप वन कर सकते हो या ग्रुप टू दे सकते हो या आप दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हो। अच्छा फाउंडेशन क्लियर करने के बाद अब आपके पास जो ग्रुप वन ग्रुप टू देने का टाइम होता है वो 8 महीने का होता है, 8 महीने का या 9 महीने का गैप होना चाहिए आपके पास, है ना। आपने कहा यार 8 महीने का गैप है, आपने डिसाइड कर रखा पहले से कि पहले मैं ग्रुप वन दूंगा और उसकी कंप्लीट होने के बाद मैं ग्रुप टू दूंगा। इससे क्या होगा, इससे मेरा काम कंप्लीशन 3, चलो इसको 4 साल ले लेते हैं क्योंकि सिंगल सिंगल ग्रुप करके दे रहे हैं, मान लेते हैं जैसे जनसन। अब आपने डिसाइड करा यार 8 महीने बाद पहले मैं ग्रुप दूंगा, फिर उसके 6 महीने बाद मैं क्या दूंगा आपके ग्रुप टू, और ग्रुप टू देने के बाद मैं ट्रेनिंग करूंगा 15 महीने की, फिर 15 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद मैं फिर ग्रुप थ्री दूंगा और उसके 6 महीने बाद मैं ग्रुप फोर दूंगा और फिर बन जाऊंगा CMA। करीब मान लो इसके अंदर 4 साल का प्रोसेस लगता है या 3.5 या 3 साल का प्रोसेस लगता है, टोटल ड्यूरेशन अभी मान लो 4 साल। अब आपने क्या करा, आपने कहा चलो पहले ग्रुप वन देता हूं। जब आप 8 महीने पढ़ रहे थे पढ़ रहे थे पढ़ रहे थे पढ़ते 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 आपने कहा यार मैं पूरी मेरी कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आपने ग्रुप वन को कहा कि ग्रुप वन को छोड़ देते हैं, अभी ग्रुप वन नहीं देते, 6 महीने और पढ़ाई करते हैं और ग्रुप वन की तैयारी करते रिविजन, और ग्रुप टू भी साथ साथ पढ़ते, और यहाँ पर 6 महीने बाद आप ग्रुप टू दे देंगे। अब सोचो आपने क्या करा, आपने जो ग्रुप वन, सुना ध्यान से, पूरा प्रोजेक्ट कितने साल में कंप्लीट होना चाहिए, पूरा CMA कितने साल में बनना चाहिए, 4 साल में। अगर आप ग्रुप वन इधर पहले ग्रुप वन मान लेते हैं कि पहले आपने मान लो जून में ग्रुप वन दिया और दिसंबर में आपका पास ग्रुप टू का पेपर होने वाला है, तो आपने जून का टर्म छोड़ दिया। छोड़ने से क्या करा आपने, आपने सोचा जून में ग्रुप वन दूंगा क्लियर करूंगा, दिसंबर में ग्रुप टू दूंगा क्लियर करूंगा। अब आपने क्या करा, जून में ग्रुप वन नहीं दिया, आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, आपने कहा चलो मैं बहुत ग्रुप दूंगा। अब आपने जून में ग्रुप वन ना देकर आपने क्या करा, इस एक्टिविटी को जो ग्रुप वन की एक्टिविटी है, आप मान लो ग्रुप वन कंप्लीट करना एक एक्टिविटी है, तो ग्रुप वन की एक्टिविटी को आपने क्या कर दिया, डिले कर दिया। समझना ध्यान से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ग्रुप वन की एक्टिविटी को आपने क्या करा, डिले करा। ग्रुप वन पास करना एक एक्टिविटी मान लो, तो ग्रुप वन को पास करना एक एक्टिविटी थी, आपने ग्रुप वन नहीं दिया, जब नहीं दिया तभी तो पास करते, जब दोगे तभी तो पास करोगे, अब नहीं दिया तो कैसे पास करोगे। तो आपने क्या करा, इसको एग्जाम को नहीं देकर आपने कहा डिले कर लेते हैं, अगले टाइम में ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों एक साथ दूंगा, बहुत ग्रुप दूंगा। और आपने क्या करा, इस ग्रुप वन की जो एक्टिविटी थी उसको डिले कर गया दिसंबर में, 6 महीने डिले कर दिया। अब एक एक्टिविटी को डिले करने से आपका क्या हुआ, कोई नुकसान नहीं, नुकसान हुआ क्यों, क्योंकि आपने कहा मैं ग्रुप टू और ग्रुप वन दोनों दूंगा और इधर निकाल दूंगा, और आपने निकाल भी दिया, आपने यहां पर दोनों ग्रुप एक साथ पास कर दिए। आपका पर्पस था कि पहले मैं ग्रुप वन दूंगा फिर मैं ग्रुप टू दूंगा और ऐसे करके पास करूंगा। आपने भाई ग्रुप वन की जब पेपर आने लगे तो आपको लगा कि यार ये मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो अब मैं ग्रुप वन को डिले कर देता हूं। तो आपने ग्रुप वन को क्या करा, डिले कर दिया नेक्स्ट टाइम के लिए। जब आपने ग्रुप वन को डिले करा तो
आपने ग्रुप टू और ग्रुप वन एक साथ देकर बोथ ग्रुप पास कर दिया। अब मुझे बताओ क्या टोटल प्रोजेक्ट एक ग्रुप को डिले करने से क्या आपका सीएमए का प्रोजेक्शन टाइम में कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? अगर आप ग्रुप वन यहां देते और पास कर देते तब भी 6 महीने आपको ग्रुप टू देने पड़ते, और आपने यहां इसको ग्रुप वन को ना देकर तब भी इस वाले दिसंबर में आपने इंटर पास कर दिया। तो इंटर आपने दिसंबर में ही पास करा, पर आपने सोचा था पहले ग्रुप वन जून में पास करूंगा फिर ग्रुप टू दिसंबर पास करूंगा, टोटल इंटर दिसंबर मेरा क्लियर हो जाएगा, ये सोचा था ना आपने। आपने सोचा कि भाई मैं पहले ग्रुप वन जून में दूंगा और ग्रुप टू दिसंबर में दूंगा और दिसंबर में मेरा इंटर क्लियर हो जाएगा। तो आपने डिमांड लगाया कि भाई मेरे को दिसंबर में इंटर क्लियर करना है, ये आपने था आपके माइंड में कि दिसंबर में मेरा इंटर क्लियर हो जाना चाहिए। आपने ग्रुप वन को ना देकर दोनों ग्रुप यहां पास कर दिए, दिसंबर में भी इंटर क्लियर है। तो एक एक्टिविटी को डिले करने से पूरे प्रोजेक्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और इस डिले से जो मैक्सिमम टाइम लगा उस एक्टिविटी का, दैट्स कॉल्ड फ्लोटिंग फ्लोट टाइम। उसको क्या कहते हैं? टोटल फ्लोट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल फ्लोट। अब आया समझ में? एक एक्टिविटी ग्रुप वन में एग्जाम देता और पास कर जाता, फिर ग्रुप टू एग्जाम देता 6 महीने बाद, तो आप मैंने आपसे ना ग्रुप वन ना देकर ग्रुप वन को 6 महीने डिले कर दिया, तब भी तो मेरा सेम टाइम लगेगा इंटर क्लियर करने में। तो कोई सीएमए के टोटल ड्यूरेशन में आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना? समझ में आ रहा है? लॉजिक रीजन है। तो यही कह रहा है कि किसी एक्टिविटी के टाइम को टाइम के लिए डिले किया जा रहा है, किसी एक्टिविटी को कितने टाइम के लिए डिले किया जा सकता है, मैक्सिमम कितने टाइम के लिए डिले कर सकते हो? मैंने कहा 6 महीने के लिए आप इस एक्टिविटी को डिले कर सकते हो। कौन सी? ग्रुप वन वाली एक्टिविटी को। तो ये 6 महीने जो आपका हो गया वो टोटल फ्लोट मान लिया जाएगा। इसको निकालेंगे कैसे वो बात की बात है, ठीक है? अभी आगे भी जैसे होता है कि भाई यहां से भी हो जाए टोटल फ्लोट, यहां से भी आ जाए कि भाई आपने कहा ग्रुप वन में दूंगा फिर ग्रुप फोर दूंगा, आपने कहा चलो 6 महीने इसको फिर डिले करते हैं, बहुत ग्रुप निकालते हैं, हो सकता है ना? तो किसी एक्टिविटी को कितना मैक्सिमम टाइम के लिए डिले किया जा सकता है, और डिले करने से टोटल प्रोजेक्शन कंप्लीशन टाइम में, प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम में कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उस मैक्सिमम टाइम जो आपने डिले किया दैट्स कॉल्ड फ्लोट टाइम, टोटल फ्लोट। क्या बोलते हैं उसको? टोटल फ्लोट कहा जाता है। क्या क्लियर है? नहीं है लॉजिक? और ये आपको बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल फ्लोट ऐसे नहीं समझाया जा सकता था दोस्तों। आप सोचते हैं भाई क्या क्या करता है ऐसा, कौन सी एक्टिविटी को कितना एक्सटेंड हो, तो आप समझ में आ गया होगा कि मैं ग्रुप वन चाहे जून में दूं चाहे दिसंबर दूं, इंटर तो मेरा दिसंबर में क्लियर होना है। अगर मैं ग्रुप वन जून में दूंगा तब भी दिसंबर में इंटर क्लियर होगा, और जब अगर मैं ग्रुप वन और ग्रुप टू जून में दे दूंगा तब भी इंटर दिसंबर में क्लियर होगा। तो ग्रुप वन को डिले करने से 6 महीने कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, इंटर उसी टाइम पे क्लियर हुआ जिस टाइम पे आप सोच रहे थे। इसको बोलते हैं टोटल फ्लोट, क्या मैक्सिमम टाइम लगा आपको। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो टोटल फ्लोट निकालने का कुछ फॉर्मूला है दोस्तों, तो फॉर्मूला लिखते हैं यहां पर कि टोटल फ्लोट निकालने का, हमें नहीं सोचना कि कितनी एक्टिविटी, फॉर्मूला लगाओ ऑटोमेटिक निकालते चले जाएगा, वो फॉर्मूला लगाइए और ऑटोमेटिकली निकलता चले जाएगा। हाँ, कौन सा समझा दिया, क्या कहना चाहता था टोटल फ्लोट आपसे? फॉर्मूला लगाई है, ये नहीं ऐसे नहीं कहा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया और कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस नहीं करा कि किस तरीके से सोचना है, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। अब हर एक्टिविटी में थोड़ा सोचता रहूंगा भैया क्वेश्चन पेपर करना है, तो फॉर्मूला दे रखा था, फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई करो तो ऑटोमेटिकली टोटल फ्लोट निकलता जाएगा कि इतना इसको बढ़ा सकते हैं, इतना इसमें बढ़ा सकते हैं, इस एक्टिविटी में इतना बढ़ा सकते हैं, इस एक्टिविटी में इतना बढ़ा सकते हैं, और इतना बढ़ाने से आपका कोई भी टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बनाकर देगा, सोचना नहीं है हमें, ठीक है सर? क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर हो गया, फॉर्मूला भी क्लियर कर लेते हैं अब थोड़ा। तो टोटल फ्लोट निकालना है, टोटल फ्लोट को हम TF IJ से डिनोट करते हैं। TF मीन्स टोटल फ्लोट, IJ मीन्स इसी एक्टिविटी का टोटल फ्लोट, मतलब कितना मैक्सिमम टाइम के लिए हम उस एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं जिससे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम में कोई भी इफेक्ट ना पड़े। क्लियर है या नहीं है? कैसे निकालेंगे? हमने कहा लेटेस्ट स्टार्टेड टाइम एक्टिविटी IJ का, उसमें से माइनस कर देना अर्लीस्ट स्टार्टेड टाइम एक्टिविटी IJ का। इस तरीके से लेटेस्ट स्टार्टेड टाइम IJ, किसी एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्टेड टाइम और माइनस किसी एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्टेड टाइम, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको बताएगा टोटल फ्लोट। ये तो ठीक है सर। अब सर लेटेस्ट स्टार्टेड टाइम कैसे निकालेंगे उसकी चर्चा भी करेंगे। अभी तो समझो टोटल फ्लोट निकालना, समझ में आया कि जो लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम आपका दे रखा होगा और जो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम होगा, अभी मत बताना लेटेस्ट स्टार्टेड टाइम कितना का, क्या कहते हैं अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम किसी एक्टिविटी, ये सब समझाया। लेटेस्ट स्टार्टेड टाइम कहां समझाया? वो पीछे वाले पेज में समझाया था, समझाया है ना? लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम किसी एक्टिविटी का और उसमें से माइनस कर देना अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम किसी एक्टिविटी का, बस आपको पता चल जाएगा टोटल फ्लोट आपका क्या है। अच्छा मुझे बताओ सिंबॉलिक फॉर्म में इसको क्या कहेंगे? अच्छा इसको मैं वैसे कर लेता हूँ टोटल फ्लोट, ठीक है ये तो ठीक है।
तो टोटल फ्लोट सिंबॉलिक फॉर्म में अगर देखें तो लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को हम कहते थे LSIJ, है ना, और अर्लियस्ट स्टार्टिंग टाइम को कहते थे ES, अर्लियस्ट स्टार्टिंग ES, टाइम टाइम किसी एक्टिविटी का IJ। तो टोटल फ्लोट कैसे निकालेंगे, किसी एक्टिविटी का टोटल फ्लोट निकालने के लिए आपको चाहिए लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम किसी एक्टिविटी का और अर्लियस्ट स्टार्टिंग टाइम आपको चाहिए। ठीक है सर, क्लियर है या नहीं है? इस तरीके से मतलब दोनों को या तो आप ऐसा लिख लो या आप ऐसा कर लीजिए। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला है, देखो ये दोनों फॉर्मूले तो एक ही हो गए, इसमें तो बस क्या करा मैंने, चेंज करा सिंबल, नोटेशन का यूज करा है, इसमें मैंने बस नोटेशन का यूज करा है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हटाओ पहले, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये मैंने एक सिंबल का यूज करा, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। एक और नया फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला यह है कि आप टोटल फ्लोट टाइम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे सर? टोटल फ्लोट टाइम निकालोगे किसी एक्टिविटी का LIJ माइनस EI। ये भी बताया था LJ क्या होता है, इसलिए मैंने आपको पहले सिखा दिया था इनका मतलब, पढ़ो कॉपी खोलो वहां देखो LJ का मतलब क्या है, किसी एक्टिविटी नहीं इवेंट, किसी इवेंट को कितनी लेट तक हम फिनिश कर सकते हैं और किसी एक्टिविटी को कितनी जल्दी हम स्टार्ट कर सकते हैं। आई का मतलब यह है अर्लिएस्ट टाइम फॉर इवेंट और लेटेस्ट टाइम फॉर इवेंट, ये भी तो इवेंट ही हुआ। हाँ, एक फिनिश इवेंट है और एक स्टार्टिंग इवेंट है। और जब ये माइनस कर दोगे तो इसके बाद आप एक और माइनस करना DIJ, जिसको हम TIJ भी कहते हैं। अब ये DIJ लिख रहा हूं मैं सिर्फ, कहीं आप इसको वो समझो, या तो आप DIJ लिख लो या TIJ लिख लो, बात बराबर है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टोटल एक्टिविटी। तो इस तरीके से भी आपका ये सेकंड फॉर्मूला है टोटल फ्लोट टाइम निकालने का। सर मैं आपको फिर कहता हूं कि LJ कैसे निकालेंगे, IJ कैसे निकालेंगे, LS कैसे निकालेंगे, ES कैसे निकालेंगे, ये मैंने नहीं बताया, मैं बस आपको टोटल फ्लोट सिखा रहा हूं, ये भी बताना है। अभी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है ये, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, दो क्लास में खत्म होगा। आज की क्लास में तो कुछ ही कॉन्सेप्ट खत्म कर पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी अदर फर्दर चलेगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक, तो इस तरीके से आप टोटल फ्लोट टाइम का मतलब समझा और फॉर्मूला सीखा कि किस तरीके से निकालेंगे। अब हम सीखते हैं फ्री फ्लोट क्या होता है। पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपसे टोटल फ्लोट ही पूछेगा, फ्री फ्लोट इंडिपेंडेंट फ्लोट वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, हैं? पर सीख लेते हैं कहता क्या है, क्या फॉर्मूला है, मान लो कभी आ गया तो हम कर तो लेंगे। ठीक, देखो फ्री फ्लोट टाइम जो होता है ना वो भी सेम सिमिलर टोटल फ्लोट के जैसा होता है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। कहता है आपके पास, इट इज द टाइम बाय विच completion of an activity can be delay, by which completion of an activity can be delay without delaying its immediate successor activity। बस इतना सा फर्क है, इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी। फ्री फ्लोट का मतलब होता है कि किसी एक्टिविटी को कितना लेट, कितना उसका टाइम इंक्रीज करा जा सकता है, कितना उस किसी एक्टिविटी को डिले करा जा सकता है, जो उसकी सक्सेसर एक्टिविटी है उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े, वो डिले ना हो। उस वाले में और इस वाले में फर्क बस इतना सा था, वहां पर हम इफेक्ट, हम किसी एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हैं मैक्सिमम, कि टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम में कोई इफेक्ट ना पड़े, ये मतलब था। अब यही लाइन लिखना, किसी एक्टिविटी को कितना टाइम के लिए डिले किया जा सकता है जिससे अब प्रोजेक्शन कंप्लीशन टाइम की जगह लिख देना आप इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी, इसकी जगह लिखोगे आप, इसकी जगह पर आप लिख देना वो सेम उतारना, इसकी जगह लिख देना इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी में उसका कोई, इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी में उसका डिले, ये पहली उल्टा सीधा बन गया था, किसी एक्टिविटी को कितने टाइम के लिए डिले किया जा सकता है जिससे प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम में उसका
उस डीले का, उसका नहीं, उस डीले का कोई इफेक्ट ना पड़े, उस डीले एक्टिविटी का कोई इफेक्ट ना पड़े। लिख लेना, ठीक है, यहां थोड़ी बहुत जोड़ देना, हिंदमड बन नहीं रहा था ना। अच्छा अब क्या लिखोगे, अब लिखना किसी एक्टिविटी को कितने टाइम के लिए डीले किया जा सकता है जिससे जो इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी होगी उस डीले एक्टिविटी का कोई भी इफेक्ट उस इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी में ना पड़े। मैं बोलता हूं आप लिखिए, यहां पर छोड़ो उसको, यहां मैं बोलता हूं आप लिखिए, किसी एक्टिविटी को लिखना, जल्दी लिखना, किसी एक्टिविटी को कितने टाइम के लिए डीले किया जा सकता है जिससे किसी एक्टिविटी को कितने टाइम के लिए डीले किया जा सकता है जिससे उस डीले का कोई भी इफेक्ट ना पड़े, उस डीले का कोई भी इफेक्ट ना पड़े इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी पर, उस डीले का कोई भी इफेक्ट ना पड़े इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी पर, और जितना मैक्सिमम टाइम का हमने डीले किया वो मैक्सिमम टाइम फ्री फ्लोट कहलाएगा। ऐसा लिख सकते हैं आप, किसी एक्टिविटी को कितने डीले किया जा सकता है जिस डीले की वजह से इफेक्ट ना पड़े, किस पर, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन टाइम पे या इमीडिएट सक्सेस एक्टिविटी के टाइम पर। सर इमीडिएट सक्सेस एक्टिविटी पे डीले ना हो, मतलब एक एक्टिविटी को मैं डीले कर रहा हूं और इसके अगली वाली जो एक्टिविटी है इसके डीले करने से अगली वाली एक्टिविटी डीले नहीं होनी चाहिए, इसको बोलते हैं फ्री फ्लोट। समझ में आया, वरना इट इज द टाइम बाई विच द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी कैन बी डीले, ये वो टाइम है, वो टाइम है कि इट इज द टाइम बाय विच जिससे हम एक एक्टिविटी को कितने टाइम के लिए डिले कर सकते हैं विदाउट डिलेइंग, विदाउट किसी फैक्ट से, विदाउट डिलेइंग इट्स इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी। एक एक्टिविटी को डिले कर रहा हूं पर उसकी जो सक्सेसर एक्टिविटी है, अगली जो एक्टिविटी है उसके होने के बाद, उसके कंप्लीट होने के बाद जो अगली एक्टिविटी है उस पे उस डिले का इफेक्ट ना पड़े, वो उन टाइम पे चालू हो जाए, इसको कहते हैं फ्री फ्लोट। और इसको निकालने का भी दोस्तों क्या है फॉर्मूला, हिंदी समझ में, हिंदी लिख दी ना आपने ये पूरी, भाई लिख लेना कृपया करके, कृपया करके भाई और बहन लिख लीजिएगा इसको। फॉर्मूला क्या कहता है, फ्री फ्लोट कैसे निकालेंगे, देखो फ्री फ्लोट को लिखेंगे फ्री फ्लोट FFIJ, इसका फॉर्मूला है अर्लीस्ट टाइम टाइम फॉर इवेंट J माइनस अर्लीस्ट टाइम फॉर इवेंट, मैंने आपको ये सिखाया था अर्लीस्ट टाइम फॉर इवेंट आई, मैंने अर्लीस्ट टाइम फॉर इवेंट आई सिखाया था आपको और अर्लीस्ट टाइम फॉर इवेंट जे नहीं सिखाया। बात वही है कि किसी कितनी जल्द से जल्द हम इवेंट आई को, स्टार्टिंग इवेंट को कंप्लीट कर पाए, और इसका मतलब है कितनी जल्द से जल्दी हम फिनिशिंग इवेंट को कंप्लीट कर पाए, बस फर्क इतना सा है, ठीक है। अर्लीस्ट टाइम का मतलब कितनी जल्द से जल्द, लेटेस्ट टाइम का मतलब कितनी लेट तक हम उसको कंप्लीट कर पाए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है नोटेशन क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। निकालना कैसे है, किस तरीके से, आज की क्लास में नहीं होने वाला हो और नेक्स्ट क्लास में होगा, आज की क्लास में सिर्फ फॉर्मूले सिखाए जाएंगे आपको, अच्छा ठीक है। और इसके बाद आप माइनस कर देना ड्यूरेशन टाइम, टाइम फॉर एक्टिविटी आईजे, आईजे एक्टिविटी का ड्यूरेशन टाइम क्या है, मतलब DIJ, क्या इसको बोलते हैं एस्टिमेट कंप्लीशन टाइम भी कहते हैं, ड्यूरेशन टाइम को क्या बोल देंगे एस्टिमेट कंप्लीशन टाइम फॉर एक्टिविटी, ठीक है। तो इसकी जो नोटेशन है मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूं, इसको यूज करता हूं EJ, ये मैंने नहीं सिखाया, इसका मतलब होता है किसी एक्टिविटी को फिनिश कितनी जल्द से जल्द किया जा सकता है, 8वें के नीचे लिख दो। मैंने EI सिखाया था, EJ नहीं सिखाया था, मैंने LJ सिखाया था, LI नहीं सिखाया था, वो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूं। EI का मतलब होता है, इसका मतलब क्या है दोस्त, इसका मतलब है EI, इसका मतलब है कितनी जल्द से जल्द हम एक इवेंट का स्टार्ट कर सकते हैं, इसका मतलब है कितनी जल्द से जल्द हम इवेंट को खत्म कर सकते हैं, बस। J का मतलब फिनिशिंग इवेंट और I का मतलब स्टार्टिंग इवेंट, तो कितनी जल्दी हम एक इवेंट को स्टार्ट कर सकते हैं और कितनी जल्दी हम एक इवेंट को खत्म कर सकते हैं, ये माइनस, और इसका मतलब फिर माइनस है, और ड्यूरेशन टाइम क्या आपके पास है DIJ। तो ये जो फ्री फ्लोट का टाइम जो फॉर्मूला बना वो इस तरीके से बना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सही तरीके से, फ्री फ्लोट EJ माइनस EI
माइनस डी आई जे, समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है, हिंदी में लिख दिया आपने, कौन सा समझ लिया, फॉर्मूला भी सीख लिया, इसको भी लिख लेना उसी वहां पर जो मैंने नोटेशन सिखाई थी, उस आई ई आई के नीचे अगर जगह बची हुई तो लिख देना हिंदी में या फिर इंग्लिश में कि अर्लिएस्ट टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ अ फिनिश इवेंट जे, इवेंट जे को कितनी जल्द से जल्द हम खत्म कर सकते हैं, क्लियर है या नहीं है। अगला पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट, तीसरा अगला पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट, इसको क्या कहते हैं लिखना इसके अंदर, इट इज अ पोर्शन ऑफ टोटल फ्लोट, इट इज अ पोर्शन ऑफ टोटल फ्लोट, एक टोटल फ्लोट का एक पोर्शन होता है ये, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इट रेफर्स टू दैट टाइम विद इन विच एन एक्टिविटी कैन बी डिले, इट रेफर टू दैट टाइम विद इन विच एन एक्टिविटी कैन बी डिले, विद इन विच एन एक्टिविटी कैन बी डिले विदाउट अफेक्टिंग द प्रीडिसियर एक्टिविटी, विदाउट इफेक्टिंग द प्रीडिसियर एक्टिविटी। सिंपल, इंडिपेंडेंट फ्लोट और टोटल फ्लोट में डिफरेंस क्या है, छोटा सा डिफरेंस है कि अगर हम किसी एक्टिविटी को डिले कर रहे हैं तो उसको मैक्सिमम कितना डिले कर सकते हैं जिससे सक्सेसर एक्टिविटी पे कोई भी प्रभाव उस डिले का ना पड़े, इसको बोलते हैं फ्री फ्लोट। इसका हिंदी लिखना, किसी एक्टिविटी को कितना डिले किया जा सकता है, लिखो ना हिंदी, हिंदी लिखे ना सर, हिंदी लिखे, जल्दी से लिखे, किसी एक्टिविटी को कितना डिले किया जा सकता है, लिखो, किसी एक्टिविटी को कितना डिले किया जा सकता है जिससे उस डिले का इफेक्ट उस एक्टिविटी के प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी पे ना पड़े, उस डिले का इफेक्ट उस एक्टिविटी की प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी पे ना पड़े, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो कितना टाइम मैं मैक्सिमम डिले कर सकूं वो मैक्सिमम टाइम इंडिपेंडेंट फ्लोट होगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट वो मैक्सिमम टाइम ऑफ डिले टाइम है जिसका इफेक्ट किसी एक्टिविटी को डिले तो करा, मैक्सिमम मैंने किसी एक्टिविटी को 2 घंटे तक डिले कर दिया, वो 2 घंटे क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट हो जाएगा, पर उस 2 घंटे को डिले करने की वजह से उस एक्टिविटी की जो प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़ता हो, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट। क्लियर है या नहीं है, हिंदी से हम लिख दी, हिंदी पक्का लिखना कृपया करके, मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, फॉर्मूला सीखो, सीधा निकालेंगे डायरेक्ट दोस्तों, इतनी डिटेल में ना कोई आपको इसको सिखाएगा नहीं, ठीक है, समझने की कोशिश करें। अगर आपको नॉलेज मिल रही है भाई, मान लो कभी आप आगे फ्यूचर में किसी को OM पढ़ाओगे तो आपको समझ भी तो आना चाहिए भाई, ऐसे भी तो हो सकता है कि आप टीचिंग भी करो, है ना भाई, बहुत तो क्या रहता है कि मेरे को जब पढ़ता था तो मैं ये सोचता था कि यार मैं टीचिंग करनी है मुझे, मैं शुरू से मेरा ये था कि अगर मैं कोई चीज पढ़ रहा हूं तो उसको डीपली जाके पढ़ूं, इसलिए क्योंकि मुझे आगे फ्यूचर में अगर मैं टीचिंग करूं और मुझे बच्चों को समझाना हो तो मैं भी समझा पाऊं। तो आप में अगर कोई टीचिंग करना चाहता है या नहीं करना चाहता कुछ भी, या अपने छोटे भाई बहन किसी को भी अगर समझाना चाहता है, यूट्यूब के अंदर आना चाहता है कि भाई चलो जॉब भी करते साथ साथ पढ़ाते भी है, तो आपको भी तो आना चाहिए, ये नोट संभाल के रखिए, इसीलिए होता है, कॉम्पिटिशन करना मेरे साथ आगे आकर, तभी तो मजा आएगा, ठीक है, चलो मेरे नोट से पढ़ाई कोई दिक्कत नहीं है, चलो चाहते तो आप अभी स्टार्ट कर सकते हो पढ़ाना, स्टार्ट कर सकते हैं आप बिल्कुल। लो जी कैसे निकालेंगे, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट, आई जे से डिनोट करते हैं, और जिस हिसाब से मैंने आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ाया है मुझे पता है आप खुद पढ़ाना चालू कर दोगे और आपको इतनी डिटेल में पढ़ाओगे इसका कोई हिसाब नहीं, और अपनी देखो मेरे स्किल्स तो डालोगे जो मैंने पढ़ाया वो तो पूरा बताओगे, उसमें अपनी स्किल्स भी डालोगे तो डबल स्किल्स हो जाएगी, है ना। चलो इसका फॉर्मूला है ईजे माइनस एल आई माइनस डी आई जे, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ईजे माइनस एल आई माइनस डी आई जे, सबका मैंने मतलब बता रखा है, ईजे का मतलब समझा दिया, कितनी जल्द से जल्द अर्लिएस्ट टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ इवेंट जे और लेटेस्ट टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ इवेंट आई, ये मैंने बताया था, इसका मतलब कितनी मैक्सिमम टाइम का हम कितना मैक्सिमम टाइम हम अलाउ कर सकते हैं किसी इवेंट को स्टार्ट करने के लिए, कितना डिले कर सकते हैं किसी इवेंट को स्टार्ट करने के लिए, दैट्स कॉल्ड एल आई। एल जे का मतलब क्या था, कितनी
लेट हम एक इवेंट को खत्म कर सकते हैं और कितनी लेट हम एक इवेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, एल आई। समझ मारा दोनों का मतलब? ये एल आई का पॉइंट भी लिख देना, 10 पॉइंट हो जाएंगे हमारा। मैं भूल गया था, दिमाग से निकल गया था। यहां पर मैं दिखाता हूं एक बार, इधर देखो, ये मैंने आपको ई आई समझाया था। ई आई की जगह आप ई जे नीचे लिख देंगे। ई जे का मतलब क्या है? अर्लियस्ट अकरेंस टाइम ऑफ इवेंट जे, सिर्फ इतना लिखना है। हिंदी अनुवाद, अर्लियस्ट कितनी जल्द से जल्द हम किसी इवेंट को कंप्लीट कर सके, ये है इसका मतलब। किसी कितनी जल्द से जल्द हम एक इवेंट को कंप्लीट कर सके। एल जे समझाया था, एल आई मतलब लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम ऑफ इवेंट आई, आई लिख देना बस सब कुछ। हिंदी अनुवाद कि कितनी लेट तक हम किसी इवेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी लेट, कितना उसमें डिले कर सकते हैं किसी इवेंट को स्टार्ट करने के लिए। बस ये 2 पॉइंट और देना, 10 नोटिस हो जाएगी आपकी। ठीक, आओ दोस्तों वापसी आ गए हैं। समझ में आ गया इंडिपेंडेंट फ्लोट किसे कहते हैं? अब एक लास्ट फ्लोट और सीखते हैं, तीसरा और ये चौथा, क्योंकि 4 तरीके के फ्लोट देखो हमारे स्टडी मैटर में दे रखे हैं। अब वो आपसे पूछे या ना पूछे, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको पूरा पढ़ाना है। ठीक, अगला है इंटरफेरिंग फ्लोट। INTERFERING, इंटरफेरिंग फ्लोट, ये बड़ा सिंपल है। इंटरफेरिंग फ्लोट इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। बस ये क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट का क्या होता है? डिफरेंस। मतलब अगर मैं इनफर्निंग फ्लोट निकाल रहा हूं, ठीक, इसको आप कैसे निकालोगे? क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट, पूरा लिख लो आप। ये नहीं, कभी नहीं पूछा जाता दोस्तों, ये मैं कह रहा हूं ना आपसे, मैक्सिमम क्या पूछेगा? टोटल फ्लोट पूछ लेगा और ज्यादा से ज्यादा फ्री फ्लोट तक आएगा, ना तो इंडिपेंडेंट पूछ लेगा। अगर पूछ भी लेता है तो हमें तो पता ही है किसी एक्टिविटी तो क्या होगा, टोटल फ्लोट एक्टिविटी का माइनस फ्री फ्लोट एक्टिविटी का। जब दोनों का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम नाम देते हैं इंटरफेरिंग फ्लोट। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। तो यहां पर 4 बातें तो हमने सीखी फ्लोट के बारे में। तो फ्लोट के बाद उनसे पूछा था कि एक और पॉइंट था स्लैक। ये स्लैक का मतलब क्या होता है, ये पूछ सकता है कि भाई स्लैक निकालो, स्लैक का मतलब क्या होगा। और जैसे हमने खत्म करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम क्रिटिकल पाथ के बारे में भी सीखेंगे कुछ बातें, है ना। तो अभी मैं स्लैक के बारे में आपको बताता हूं, इसका मतलब बताता हूं, है ना, और इसको निकालते कैसे, उसका फॉर्मूला बताते हैं और बात खत्म करते हैं आज की क्लास। यहां पर काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं आपको स्लैक। तो स्लैक का मतलब क्या होता है? इट इज एन इंटरवल, इट इज एन इंटरवल दैट अकर, ये कैसा इंटरवल है, दैट अकर when there are activity that can be complete, that can be complete before the time actually needed। क्या मतलब हुआ? मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए को एक एक्टिविटी को करना है और मिस्टर ए को इस एक्टिविटी को करने के लिए चाहिए 7 दिन। 7 दिन की जरूरत है, नीड है। मिस्टर ए को एक काम दिया और ये एक्टिविटी को करने के लिए इसको कितने दिन की जरूरत है, इसको नीडेड कितने डे की जरूरत है, 7 डे की इसको जरूरत है कि भाई एक्टिविटी 7 दिन में हो जानी चाहिए। अब अगर मिस्टर ए इस एक्टिविटी को बिफोर द टाइम कंप्लीट कर देते हैं तो हम उसको कहेंगे स्लैक टाइम, कि कितने टाइम में उसने वो एक्टिविटी कंप्लीट करी। अगर इसने ये एक्टिविटी 5 दिन में कंप्लीट कर दी तो 5 डे हमारा क्या हो जाएगा, स्लैक टाइम हो जाएगा। ठीक, तो स्लैक टाइम क्या होता है, वो इंटरवल होता है जहां पर किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करा जाता है उसके टाइम से पहले। तो अगर किसी एक्टिविटी को 7 दिन में कंप्लीट होना है और उसने अगर इस एक्टिविटी को 5 दिन में कर दिया या 6 दिन में कर दिया, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्लैक टाइम हो जाएगा। और स्लैक टाइम को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, देखो स्लैक टाइम का ना अलग अलग मतलब होता है। कहीं पर आपको मिलेगा स्लैक टाइम क्या होता है, स्लैक टाइम
कहीं कहीं लिखा हुआ है सिलेक्ट टाइम क्या होता है, ऐसा टाइम जिसको हम डिले कर सकते हैं और जिसको डिले करने से पूरे प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। जैसे वो टोटल फ्लोट के बारे में जो मीनिंग था वो कहीं कहीं सिलेक्ट टाइम की मीनिंग में भी दे रखा होता है, तो मतलब एक ही हो गया। ठीक है, तो यहां ये मैंने सिंपल मतलब बता दिया सिलेक्ट टाइम का क्या मतलब है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सिलेक्ट टाइम। तो सिलेक्ट टाइम किसे कहते हैं जी, ऐसा इंटरवल जहां पर किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करी जाती है बिफोर दी टाइम एक्चुअली नीडेड। उसको एक एक्टिविटी को काम करने के लिए 7 दिन चाहिए, आपने उसको 5 या 4 दिन में या 6 दिन में कर दिया, उसको हम सिलेक्ट टाइम कहेंगे। फॉर्मूला क्या होता है सिलेक्ट टाइम निकालने का, फॉर्मूला हो गया लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ये होता है सिलेक्ट टाइम का फॉर्मूला। इसका मतलब है लेटेस्ट फिनिश टाइम बोल लो या अकरेंस टाइम बोल लो, फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, तो इस तरीके से आपका ये निकलेगा स्लैक टाइम। ठीक है सर, और अगली क्लास में देखेंगे। सबसे पहले तो अभी इसका और समझाना है कि ये अगली क्लास में क्या समझाऊंगा मैं आपको बता देता हूं कि ईजे कैसे निकालेंगे और एलजे कैसे निकालेंगे, एलएसटी कैसे निकालेंगे, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, ये कैसे निकाला जाएगा, इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में अगर टाइम मिला तो हम क्रिटिकल पाथ के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट होगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आज की क्लास में मैंने कहा था ना थ्योरी थ्योरी हो पाएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों ये, क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इनका जानना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास में भी थ्योरी आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, आज की क्लास में यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।